आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के भड़ाना चौक की है, जहां सीवरेज की ढक्कन टूटने से रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली एक बुजुर्ग महिला और बच्चे के ऊपर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में बच्चे को तो सकुशल निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बैठे हुए थे यहाँ पर, ट्रॉली पीछे से आई है और एक साथ ही बच्चा उधर कुछ सामान वगैरह ले रहा होगा, ऐसे में तो अंदर था, फिर मतलब एक साथ ही गड्ढा था, इधर लेटरिन गड्ढा था, एक तरीके से गटर का गड्ढा जो होता है उसी के कारण नीचे चला गया ट्रॉली। और हाँ जी, घायल तो जी एक लेडीज थी और एक बच्चा था छोटा, बच्चे की उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल, वो खड़ा था दुकान में बैठे हुए थे वो अपनी, हाँ वो अपनी दुकान पे बैठी थी, ट्रॉली एक साथ ही अंदर घुस गई उसमें। तो लगता है कि अभी क्या कैसी हालत होगी, ज्यादा गंभीर हालत थी लेडीज की तो गंभीर है, बाकी बच्चा तो सही है। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और बच्चा दब गए थे, इनमें से बच्चा सकुशल है, जबकि बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। भाई ट्रॉली जा रही थी ट्रैक्टर की और सीवर का खड्डा था, वो बैठ गया और पलट गई ट्रॉली। अभी कुछ नहीं कह सकते, हॉस्पिटल भेजे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल से हाँ रेस्क्यू जारी है। दरअसल रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भड़ारा चौक के पास गली नंबर 7 से गुजर रही थी, जैसे ही ट्रॉली का टायर सीवरेज के ढक्कन के ऊपर से निकलने लगा तो ट्रॉली में रेत का भार ज्यादा होने के कारण सीवरेज का ढक्कन टूट गया, जिसके चलते ये ट्रॉली गली में ही पलट गई। फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।